بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. असलकम वाला वरक इनशा सर आरफ आयत नंबर वन फिफ्टी वन टू वन फिफ्टी सिक्स मज़ीद मूसीम का किसा ला सुबहान ते आगे आगे बयान कर रहे हैं देखते हैं अगली चंद आयतों में अल्लाह सुबहान क्या खूबसूरत मैसेज हमें दिया है بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين موسى عليه السلام نے دعا کی اے میرے رب مغفرت کر دیجئے میری اور میرے और दाखिल कीजिए हमें अपनी रहमत में और तू ही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है आयत नंबर वन फिफ्टी टू इजीन तखज़ल वजील तुम फिलहत दुनिया मुफरी बेशक जिन लोगों ने बना लिया था बछड़े को मबूद ज़रूर पहुँचेगा उन्हें गदब उनके रौब की तरफ से और ज़िल्लत दुनिया की जिंदगी में और इसी तरह हम सज़ा दिया करते हैं झूठ गढ़ने वालों को आयत नंबर वन फिफ्टी थ्री وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ हाँ लेकिन जो लोग अमल कर बैठते हैं बुरे फिर वो तौबा कर, कर पलट आते हैं इसके बाद वो ईमान की ज़िंदगी गुजारते हैं बेशक रब इसके बावजूद जो है वो मफ़रत करने वाला रहम करने वाला है आयत नंबर वन फिफ्टी फोर وفي نسختها هدى ورحمة للذين للذين هم لربهم يرهبون اور جب دور هُوَ موسى عَلَيْهِ السلام کا غصہ انہوں نے تختیوں کو اٹھایا جس کے میں ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے جو اپنے رف سے واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم أهلكتهم من قبل وإياي أتحلكنا بما فعل بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين और चूना मूसा सलाम ने अपने कौम के सत्तर आदमियों को हमारी मकर्र वक्त और मुलाकात के लिए फिर जब पकड़ा उन्हें धमाके ने मूसा सलाम ने दुआ की अ मेरे रब अगर आप चाहते तो हमें हलाक कर देते इससे पहले ही और मुझे भी क्या आप हलाक करेंगे हमें उस पर जो किया में से नादानों ने यह तो सख्त आजमाइश है आपकी तरफ से आप गुमराही में पड़े रहने देते हैं इसी तरह जिसे आप चाहते हैं और आप हिदायत देते हैं जिसे आप चाहते हैं आप ही वली हैं हमारे फिर मगफरत कर दीजिए हमारी और रहम करिए हम पर और आप ही बेहतरीन मगफरत करने वाले हैं नंबर वन फिफ्टी सिक्स واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون مزيد الله سبحانه وتعالى فرماته के मूसा सलाम ने दुआ की और लिख दीजिए हमारे लिए इस दुनिया में भी बेहतरीन अंजाम और आख़रत में भी बेशक हम हिदायत के लिए पलटते हैं आप ही की तरफ अल्लाह सुबहान जवाब दिया मेरा अजाब मैं डालूँगा उसे जिस पर मैं चाहूँ और मेरी रहमत तो घेरे हुए हर चीज़ को फिर ज़रूर मैं लिख दूँगा उसे यानी मेरी रहमत को उन लोगों के लिए जो तकबे वाली जिंदगी गुजारते हैं और जो जकवात अदा करते हैं और वो जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं अल्लाह थे दुआ करे कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे वन वन में देखते हैं किस तरीके से मूसा ने दुआ की यहाँ पर देखिए कि ये जो हारून सलाम है हालांकि बड़े भाई थे मूसा के और किस तरीके से यानी कि अब आपको ऐसा लगेगा हाय इन्होंने इस तरीके से क्या बदतमीजी की अपने भाई के साथ तो नहीं देखिए यहाँ पर जिम्मेदारी यानी कि अल्लाह के दीन में वैसे अहदा तो मूसा का ज्यादा था और वो जो ड्यूटीज देकर गए थे हारून आलाम को वो बस अपडेट ले रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस तरीके से देखिए जो रवैया मूसा का उस वक्त था हारून आसमाम के साथ लेकिन हारून हारन को अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा नहीं आया उनके ऊपर कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो ना इस तरीके की बातें नहीं की उन्होंने तो यही है देखिए कि जो बड़े लोग होते हैं ना तो उन्हें यू नो गुस्सा इस तरीके से नहीं करनी चाहिए अच्छा दूसरी बात ये कि कुछ लोगों का मामला ऐसा होता है कि देखिए कि यानी उम्र के कई यू नो लेवल में पहुंच जाते हैं काफी ऐसे बज़ाहिर तो काफी एजेड हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर बुजुर्गी और वो हिकमत नहीं आ पाती है जो उम्र के साथ आनी चाहिए इंसान के साथ ऐसे ही होता है कुछ लोगों का हाल तो अल्लाह की पनाह की छोटी छोटी बात पे यू नो कि जैसे मर्द को ठीक है अल्लाह ने हाकिम बनाया है उसके मुकाबले में औरत जो है छोटी है कमजोर है छोटी छोटी बात पे कुछ मर्द जो है वो अः बाहिर तो उम्र में बड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल सिली सिली मिस्टेक पे जो औरतों से लड़ते झगड़ते और गुस्सा करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये जो है हमत की निशानी नहीं है और ये समझदारी की निशानी बिल्कुल भी नहीं है हारून ने, ने बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को मूसा ने भी जब उन्होंने उनकी बात सुन ली देखिए यहाँ पर भी कि अगला बंदा जो कह रहा है उसकी बात को सुने ना कि सिर्फ अपनी ही कहते रहे बहुत सारा खैर यहाँ पर आपको एटिकेट सीखने को मिलता है बहुत सारे आदाब हमें मिलते हैं अल्लाह के रास्ते के ठीक है मजीद मूसा सलाम ने फिर दुआ की अपने भाई की बात सुनी उन्होंने कि भाई देखो इनका हाल ऐसा था कि ये इन्होंने तो मुझे बड़ा कमजोर पाया और बड़ा करीब था कि ये सब मुझे जो है वो कतल ही कर देते जब ये जुमला सुना तो उन्होंने यानी कि मुसा इस्लाम को फील हुआ कि बहुत अपनी ताकत के आखिरी हद दर्जे तक आखिरी हद तक मेरे भाई ने जो है वो ट्राई किया इन्हें सुधारने के लिए लेकिन कौम के लोग नहीं सुधरे ठीक है चले मजीद क्या फरमाते

अल्लाह तला बताते जरूर पहुंचेगा उन्हें गजब उनके रब की तरफ से और जिल्लत भी पहुंचेगी इस दुनिया की जिंदगी में और क्यों ये क्यों इनके ऊपर अल्लाह को इतना गुस्सा आया क्यों अल्लाह सुबह उन्हें जो है वो जिल्लत दे रहे हैं वो कजा लिखा और इसी तरह मुफतरीन इसी तरह हम क्या करते हैं सजा दे दिया करते हैं झूठ गढ़ने वालों को जो इस तरह करते, है, करते हैं जो फैब्रिकेट करते हैं छोटी छोटी बातें दीन में निकालते हैं और अल्लाह का रसूल का नाम ले लेकर उसको लोगों में आम करते हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी में इन पर जिल्लत है फिटकार है मेरी गजब है किस तरीके से इंसान देखे कि जज करे कि भाई मेरे ऊपर अल्लाह का गज़ब है या नहीं या अल्लाह की ज़िल्त मुझ पर आई है नहीं देखिये अल्लाह का सबसे बड़ा गजब यही है कि इंसान बेदीनी के काम करे उम्मत मोहम्मद या होकर हिदायत से हट कर काम करे उसको नेकी की तोफीक नहीं मिलती है के काम करके वो उस सोचता है बड़ा खुश होता है कि भाई मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए ये देखिए कि कि ये दुनिया की कि की जिल्लत है है वो अल्लाह अल्लाह रहमत से दूर हो जाता है। उस पर अपना रहम नहीं करता है बहुत सारे सिम्टम्स हैं ऐसे जो इंसान अपने आप को टटोल सकता है देख सकता है ठीक है चले लेकिन अल्लाह सुबहाना तला बता रहे हैं देखिए आप अल्लाह के कलाम का अंदाज जरा देखिए कितना खूबसूरत अंदाज सिर्फ हर जगह ही ऐसी बातें नहीं कि अल्लाह ने कि मैं बहुत नाराज रहता हूँ मेरा गजब होगा जिलत होगा एक्सेप्शन बहुत अल्लाह ने दिए हैं अल्लाह ने रास्ते बहुत खुले रखे हैं मजीद जिस तरीके से अल्लाह बता रहे हैं ठीक है हाँ हा, लेकिन वो लोग जो अमल कर बैठे हैं बुरे ठीक है चलिए उन्होंने उनसे कोई खता हो गई लाभी में उनसे कोई बेदीनी का काम हो गया अल्लाह को नाराज करने वाला कोई काम हो गया ठीक है हो गया लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर लिए, हूँ फिर उन्होंने क्या करा वो तोबा करके अल्लाह के हुजूर में पलट गए वह दिया इसके बाद वो ईमान वाली जिंदगी गुजारने लगे कुछ आपको इस आयत में ये नहीं लग रहा है कि हाँ ये कैसा कैसी बात हो गई मतलब पहले तोबा कर रहा है फिर ईमान ला रहा है क्या समझ आ रहा है आपको जी हाँ यहाँ पर देखिए कि मुराद ये है कि इंसान देखे कि मुसलमान स्पेशली अपने आप को कहता तो भाई मैं ईमान वाला हूँ मैं मुसलमान हूँ लेकिन अल्लाह सुबहाना तला बता रहे हैं कि तुमने अपनी जिंदगी में अगर कोई ऐसा अमल किया है जो मेरे गज़ब का जो है वो यू नो गज़ब का रीजन बने तो तुम्हें चाहिए कि तौबा करके मेरी तरफ पलटो और उसके बाद ईमानदारी की जिंदगी गुजारो ईमानदारी की जिंदगी ऐसी जिंदगी जो अल्लाह को मतलूब है अल्लाह सुबहाना तला जो एक बंदे से चाहते हैं कि वो ईमान में जब दाखिल हो जाता है तो उसे किस तरीके की जिंदगी गुजारनी चाहिए ये है वो पॉइंट आज देखिए कि मुसलमान अपने आप को इतना ईमान वाला तो समझ लेता है वो अपने आप को मुसलमान तो कहता है लेकिन यू you नो know, कि क्यों तोबा की तोफीक नहीं होती बहुत सिंपल सी बात जो मुझे समझ आती है भाई उसको वो बेदीनी का काम नहीं समझते जो लोग देखे कि खिलाफ सुन्नत खिलाफ कुरान यू you नो know, काम करते हैं तो उसे वो सवाब की नीयत से करते हैं है ना सवाब की नीयत से करते हैं इसलिए तो उन्हें तोबा की तोफीक नहीं मिलती है उसको बुरा नहीं समझते उस सोचते नहीं है गौर फिक्र नहीं करते हैं कि मेरा ये अमल न जाने मुझे अल्लाह के गज़ब को कितना मुस्तक बना देगा मैं अल्लाह के गज़ब में आ सकता हूँ अल्लाह की ज़िल्त अल्लाह की फिटकार मुझ पे आ सकती है वो सोचता ही नहीं इसे और ही नहीं करता वो सोचता नहीं भाई मैं बहुत दीन का काम कर रहा हूँ मैं सवाब का काम कर रहा हूँ इसलिए तौबा की तरफ वो पलटते नहीं है इला माशा अल्लाह सुबहाना तला जिसको चूज कर ले जिस पर जो है अपनी किताब खोल दे नबी वसल्लम की मोहब्बत डाल दे तो वो बंद होकर अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करता है ठीक है चले अल्लाह बोल रहे हैं अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इन रब का बेशक तेरा रब उसके बाद जो है यकीन बहुत गफुर रहीम है उसके बाद यानी उस बुरे अमल के बाद अगर उसने तोबा कर ली अपनी असलाह कर ली ईमान में पूरी तरीके से दाखिल हो गया वो ईमान जो रब को चाहिए तो अल्लाह तला बोले डेफिनेटली मैं जो है वो मुझे वो गफूर रहीम पाएगा अच्छा कुछ लोग इसका बड़ा मिस यूज करते हैं भाई तो कर लो जो करना है अल्लाह बड़ा गफूर रहीम अरे माफ़ कर देगा यानी ये तो अल्लाह से बेखौफी की जिंदगी इंसान गुजारता है ठीक है अल्लाह ताला, गफुरु में, लेकिन अल्ला ताला की एक सिफ़त है लेकिन सुबह की नहीं चलनी है उसके सामने। ठीक है? तो हमेशा बात को याद रखें ठीक है चले जब इतनी सारी जो है वो बातें अल्लाह सुभान तला ने बता दी अब देखिए बहुत प्यारी बात जो है अगली आयत में बताई जा रही वाह हुआ क्या फिर जब दूर हुआ मूसा का गुस्सा गुस्सा दूर हो गया सलाम का, तो उन्होंने उठा लिया तख्तियों को जो भी अल्लाह सुबह ने उन्हें यू नो बुकलेट तख्तिया जो दी थी फिर उन्होंने उठाया मैंने देखे कि पिछले रुको में आपको एक बात बताई थी कि जब इंसान के अंदर गुस्सा हो तो वो किताब ना पढ़े अल्लाह की क्यों गुस्से में उसे अल्लाह की किताब समझ नहीं आएगी अभी उसके जो है वो देखिए कि दिमाग पर गुस्सा आ रही है शैतान हावी है उसके ऊपर इस पोजीशन में इस कंडीशन में तो खैर उसको कभी भी अल्लाह की किताब समझ नहीं आएगी खैर मुसीम का गुस्सा जरा जो है वो कंट्रोल हुआ तो उन्होंने फिर उस तख्तियों को उठाया जो उन्होंने एक तरफ रख दी थी और हुआ क्या अल्लाह तला बता रहे मैंने क्या दिया था उसमें क्या था उसमें था जिसके नुस्खे में यानी उस जो तख्तियों में क्या था हिदायत और रहमत हिदायत और रहमत की बातें थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं आप बोलोगे ओहो उनकी किताब में रहमत और हिदायत की बात थी तो बताएं भाई आपके हाथ में जो किताब है इसमें क्या है इसमें भी तो अल्लाह का शुक्र है कि रहमत की बातें हैं इसमें जो हिदायत की बातें हैं अलहदुल्ला देखिए ये बहुत प्यारी बात है अलहमदुल्ल कि आज इंसान ने मकसद जो है वो मकसद किताब को जो है वो अपनी जिंदगी से निकाल दिया उसने इस किताब का मकसद बिल्कुल जो है अलग कर लिया है कभी कभी रस्मी तौर पर इसको जो है उठा लेता है इसको पढ़ लेता है लेकिन अल्लाह सुबहान तहमद लाला जो किताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें दी है उस वो भी हिदायत और रहमत से भरपूर है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसको समझकर इस पर अमल तो करें इनशाला हिदायत के रास्ते पर अल्लाह ताला आपको चला देंगे रहमत ही रहमत भरी हुई है इसके अंदर जब आप इसको पढ़ती हैं समझती हैं उसके अकॉर्डिंग जब जिंदगी गुजारती हैं तो अल्लाह को हम पर रहम आ जाता है और अल्लाह सुबहान तला हम पर रहम करने लगते हैं फिर भी ये बात बता दी गई है कि ये सारे लोगों के लिए इस किताब में रहमत और हिदायत नहीं है जैसे कि माजी की किताब में थी और सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं ओके रहमानियत इख्तियार करते हैं अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं चलिए जब अल्लाह सुबह किताब दी अब यहाँ से मूसा के और उनके कौम की ड्यूटी शुरू हो गई मूसा ने यहाँ से अगले कुछ चंद यू you नो know, आयतों में बहुत इम्पोर्टेंट जो है बात बताई जा रही है कि जब इंसान को जिम्मेदारी दी जाती है और वो उसको करने से पीछे हट जाता है देखिए कि मूसा सलाम के जो कौम के लोग थे अल्लाह सुबह ने उन्हें एक बहुत बड़ा मिशन दिया था एक मकसद दिया था उन्हें यू नो फिर उनके गुलामी से ऐसे ही नहीं आजाद कराया था अल्लाह ने एक मकसद उनको दिया था उनका एक मकसद हयात था और उन्होंने जब अपने मकसद हयात को भुला दिया तो फिर उनके साथ बहुत बुरा मामला हुआ ठीक है चलिए आयत नंबर वन फिफ्टी फाइव आयत देखते हैं और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं कि वह फिर क्या हुआ अब जब मूसा पैगाम लेकर आए अल्लाह सुबह का और अल्लाह सुबह कि क्या किया था डिमांड किया था यू you नो know? उन्होंने मुतालबा किया था भाई हम भी अल्लाह को देखना चाहते हैं हम भी अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं तो ठीक है भाई चलो अल्लाह सुबहाना तला ने कहा ठीक है तुम इसमें से जो है वो सत्तर लोगों को जो है वो चूज करो कौन से सत्तर लोगों को आपको जो है मेरी मुलाकात के लिए लेना है ठीक है चलिए और चुने मूसा ने अपनी कौम से सत्तर आदमियों को हमारे वक्त और मुलाकात के लिए ठीक है कि अल्लाह के हुक्म से मूसा ने चुना उन लोगों को अब जब हुआ क्या देखे आगे फलम्मा फिर जब अख़... रज़फ़ा पकड़ा उन्हें धमाके ने देखिए अब क्या हुआ वो गए वहां पर उन्होंने जो डिमांड की कि भाई जब अब देखो मूसा सलाम को अल्लाह सुबह कोई पैगाम दे रहे हैं वहाँ कन्वर्सेशन चल रहा है अल्लाह का और मूसा सलाम के साथ के लोगों को दे रहे हैं अब डिमांड किया कौम के लोगों ने शक के बेस पे भाई ये क्या बात हो गई ये कैसा रब है तुम्हारा तुम्हें तुम्हें तुमसे बात करता है हमसे नहीं तु करता है नाउस इस तरीके की बातें तो उन्होंने भी डिमांड किया ठीक है अब हुआ क्या वहीं पर अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी वो सत्तर लोगों को अल्लाह सुबहाना ने जो है वो हलाक कर दिया उस पर मूसा बोल बैठे आपको देखिए कि मूसा का ये रवैया जरूर मिलेगा फौरन बोल उठते थे जो भी क्वेरी होती थी उनके जहन में जो भी सवाल होते थे वो फौरन फौरन बोल उठते थे ठीक है भाई यहाँ पर भी उनका वही रवैया नजर आता है कहा मूसा ने कौल रबी लौशी तहत तो हूँ मिन कब वह या मुसलम ने कहा ऐ मेरे रब अगर तू चाहता तो हलाक कर देता उन्हें इससे पहले ही और मुझे भी तू हलाक कर देता मतलब इतनी दूर मैं इन लोगों को लेकर आया हूँ और सत्तर लोगों को तुझे मारना ही था तो तू पहले ही मार देता मुझे भी तू हला कर देता मतलब ये क्या बात है मुझे नहीं समझ आ रही है कि आपने इनको बुलाया इतनी दूर और ये आपसे मिलने आए हैं और यहाँ आपने जो है इनको हलाक कर दिया अच्छा फिर देखिए कि मूसा सलाम को यू नो कि थोड़ा समझ आया कि भाई इनकी गलती क्या थी इन्होंने शक के बिना पे अल्लाह से डिमांड किया ठीक है चलो और मजीद क्या बोल रहे हैं मूसा सलाम क्या तू हलाक कर देगा हमें ठीक है इस पर जो किया हम में से नादानों ने यानी ये तो नादान है बेवकूफ़ है जो आपसे ऐसे डिमांड कर रहे हैं तो क्या आप इनके साथ हमें भी हलाक कर दोगे यानी ये मूसा सलाम अल्लाह सुबह तला से जो है वो ऐसे पूछ रहे हैं कि अल्लाह सब मुझे कोई मैटर समझ नहीं आ रहा है और फिर कह रहे हैं इल्ला ये तो बहुत सख्त आजमाइश है आपकी तरफ से अब देखिए उनको सोच आ रही है कि भाई ये सत्तर लोग तो गए काम से अब मैं कॉम में जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा आगे हमें इतना बड़ा मिशन लेके चलना है ये क्या होगा ठीक है कहा और खुद ही फिर इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी हम लोगों के लिए और आप जो है वो गुमराही में पड़े रहने देते जिसे आप चाहते हैं और जिसे तू चाहे हिदायत दे देता है मतलब आप सोचे जरा आप ही सोच रहेगे या कुछ लोग अगर कुरान में ये बातें पढ़े तो मतलब की सोचेंगे भाई ये क्या बात हो गई कुछ लोग इसको पढ़ के जो है यू नो अपने माइंड से कुछ ना कुछ इसकी जो है वो तावील निकालेंगे कुछ इसकी तफसीर निकालेंगे ये क्या बात होगी क्यों हलाक कर दिया अल्लाह से तो मिलने आए थे देखिए वो मोहब्बत के बेस पे नहीं मिलने आए थे शक के बेस पर वो मिलने आए थे कि मतलब चलो भाई देखते हैं कौन है मूसा का रब जो हम जिसकी तरफ ये हमें बुला रहा है नाउस नाउन एक शक था उनके दिल में देखिये जबकि अल्लाह सुबहाना ताला पर तो है हमें कैसे ईमान लाना है गैब पर बगैर देखे तो जो बगैर देखे अल्लाह पर ईमान ला लाता है तो असल में वही हकीकी ईमानदार होता है ईमान वाला होता है फिर मजीद देखिए कि आयत का अगला हिस्सा क्या बता रहे के मुसा सलाम ने वली यूना लना तू ही हमारा जो है मौला है कारसाज है फिर बख्श दे हमको रहम कर हम पर और तू ही सबसे बेहतरीन मफफरत करने वाला है अच्छा ता पिछले कुछ यू नो आयतों में आपने एक चीज को नोट किया हर वक्त मूसा सलाम दुआ कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं देखिए इससे पहले भी उन्होंने दुआ की अपने भाई के हक में और अपने लिए तो एक बात हमें जो मूसा सलाम के कैरेक्टर से मिलती है वो ये दीन का काम बगैर दुआ के आप नहीं कर सकते हो कदम कदम पर आपको जो है वो दुआ करना ही है कोई ना सोचे चलो भाई अब तो सब कुछ समझो के यू you नो know, सब मेरी मुट्ठी में है मैं तो दिन के रास्ते में निकल गई मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं मैं समझती हूँ कि यू नो दिन का काम एक बार दुनिया के काम में इंसान जो है बड़ा कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर सकता है मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ लेकिन दीन के मामले में इंसान को बहुत ज्यादा जो है केयरफुल रहना चाहिए कदम कदम पर दुआ करना चाहिए ठीक है दुआ करना चाहिए क्यों मालूम देखिए कि दीन के रास्ते में कभी आपको आजमाइश के तौर पर कुछ भी आजमाइश आ सकती है आपके बच्चों के जरिए शोहर के जरिए घर वालों के जरिए यू नो रिश्तेदारों के जरिए तो आपको गुस्से से काम लेने के बजाय दुआ से काम लेना है बजाय ये कि अगर कुछ लोग आपके लिए दिन के रास्ते में रुकावट का काम कर रहे हैं आप उन पर गुस्सा करने में टाइम खराब ना करें बल्कि आपको क्या करना है दुआ करके वो जो है गुस्से को भी दूर करना है और उन रुकावटों को भी अल्लाह के हुक्म से दूर करवाना है अल्लाह से कि अल्लाह तेरा रास्ता जो है मेरे लिए आसान कर दे आप अपने लिए दुआ किया करो अपने साथियों के लिए दुआ किया करो ठीक है इनशाला मजीद और क्या ला से दुआ की वक ने वक तुब बला, ना फिहा दुनिया हसनता आखिर खुद ना इलाई का देखिये इतनी खूबसूरत बात है ये कि यहाँ पर जो दुआ कर रहे हैं मजीद वो दुआ आगे कर रहे हैं और लिख दीजिए हमारे लिए इस दुनिया में बेहतरीन अंजाम और आखरत में भी बेशक बेशक हम जो है हिदायत के लिए तेरी ही तरफ लड़ते हैं इतनी खूबसूरत दुआ है इसको अपनी जिंदगी में शामिल करें अल्लाह से इस दुनिया में भी भलाई मांगे और आखरत में भी आप जो है रहम मांगे भलाई मांगे देखिए कि अल्लाह का रहम है हम पर कि हम जो है हमेशा हमारा पेट भरा हुआ था कभी कभी हमारा पेट खाली रहता है हमेशा अल्लाह सुबह यू नो हम कभी भूखे सोए तो सोए सारे लोगों के साथ ये मामला नहीं होता है अलहमद सेहत याब हम हमेशा रहते हैं कभी कभार हम बीमार पड़ते हैं यू नो कभी -कब, अ, हमेशा हमारे हालात अच्छे होते कभी कभार हम जो है यानी कभी यू नो हालात में तंगी हमारे आ जाती है तो क्यों इंसान नहीं पहचानता है कि ये अल्लाह की रहमत है जिस तरीके से देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे ना अजाबी मन ताराला और क्या दुआ की उन्होंने नहीं ये अल्लाह फरमा रहे हैं मेरा अजाब मैं डालूंगा उसे जिस पर मैं चाहू देखिये इन्फॉर्म कर रहे हैं ठीक है भाई तुम दुनिया में भलाई मांग रहे हो तुम मेरी रहमत मांग रहे हो तुम मुझसे मकफिरत मांग रहे हो लेकिन इट्स माई चॉइस ये मेरी मर्जी है मैं जिस पर चाहू अपना अजाब डाल दू हाँ लेकिन कुल और जिस पर मैं चाहू अपनी रहमत को जो है वो आ, मतलब अपनी रहमत डाल दू और मेरी रहमत कैसी है हर चीज को घेरे हुए है जो मैं अभी आपको बता रही थी अल लामद ला के अल्लाह की रहमत जो है हमें घेरे हुए है मजीद दुआ करते रहे कि हमेशा अपनी रहमत के साय में हमें जो है वो रख ठीक है हाँ लेकिन ये स्पेशल रहमत किस पर अल्लाह ताला रखेंगे चलो भाई अल्लाह ने वो भी बता दिया मुझे और आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेशल रहमत आप पर आए तो अल्लाह सुबहाना तला मजीद वन के अगले हिस्से में क्या फरमाते हैं कि फिर जरूर मैं लिख दूंगा उसे उन लोगों के लिए ये जो मेरी स्पेशल रहमत है मैंने ये उन लोगों के लिए स्पेशल किया है कौन से वो लोग का खौफ रखते हुए जिंदगी गुजारते हैं वह यु तू ना जकता और वो जकत भी अदा करते हैं नंबर टू एंड नंबर थ्री वह लजीना हूं भी आया तीना और जो ये वो लोग हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं बस ये एक चेक लिस्ट है मेरे लिए और आपके लिए आज अगर किसी इंसान की जिंदगी में अल्लाह की रहमत नहीं है तो रीजन ये तीन में से कोई एक चीज तो वो छोड़ रहा है दैट्स उसको अल्लाह की रहमत नहीं मिल रही है या तो उसकी जिंदगी में तकवा नहीं है या तो वो यू नो जक़ात सही से अदा नहीं कर रहा है या तो वो अल्लाह की आयतों को सही से अमल नहीं कर रहा है उसको मान नहीं रहा है इन तीनों में से किसी एक चीज को भी छोड़ा इंसान ने तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुबह तला ने सारी चीजें जो है हमें बता दी हैं अब ये बंदे की अपनी चॉइस है या ये कहें कि भाई ये कोताही है कि वो इनायतों पर जो है वो अमल नहीं कर पाता है और नाउस लाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है तो कोशिश करें मांगे दिन रात देखिए कि दीन के रास्ते में कोई रुकावट ना आए इट्स ए इम्पॉसिबल हाँ लेकिन अल्लाह सुबहाना लिए चाहे आसानी कर देते हैं और अल्लाह सुबहाना तला जो आसानी करे तो कोई उसके लिए मुश्किल नहीं कर सकता है देखिए कि मुश्किल तो आएंगी बार बार मैं आपको क्या समझाती क्यों मुश्किल आती हैं वो इसलिए कि देखिए कि जब हम किताबों सुन्नत पर अमल नहीं करते थे बिफोर दिस जो भी हमारी लाइफ होती है न जाने हमने अल्लाह को नाराज करने वाले कितने अमल किए होंगे तो जब आजमाइी हम पे आती हैं और हम उसको पॉजिटिविटी में लेते हैं ना तो समझिए कि पिछले हमारे जो गुनाह होते हैं वो वॉश आउट कर देता है अल्लाह ये बहुत खूबसूरत बात है कि अल्लाह सुबहन तला पर हमें पाक साफ करके अपने पास बुलाना चाहता है तो खुशी खुशी उसको जो है कोई परेशानियां दुख अल्लाह के रास्ते में आए तो खुशी खुशी उसको फेस करे ठीक है इसलिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए और याद करे कि अल्लाह ये तो बनता ही है क्यों क्योंकि मैंने पिछली जिंदगी में जाने ऐसे कितने अमल किए हैं जो मुझे पता नहीं था ये करना था नहीं करना था तो सुबह तला ये जो मुझ पर तेरे रास्ते में यू नो कठिनाइयां मुश्किलात या फिर परेशानियां आ रही है तो इसे मेरे पिछले गुनाहों का कुफारा बनाते इस इस तरीके से आप उन चीजों को पॉजिटिविटी में लेंगे ना कि आप नेगेटिविटी में चले जाएं आप लोगों से शेयर करें तो भाई यू you नो know, जले पे नमक छिड़कने वाला काम हो जाएगा आग में घी डालने वाला काम कि लोग आपको समझाएंगे देखा ना और करो दिन पे अमल जब से तुमने दिन 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 किया है तो देखो तुम्हारे ऊपर कितनी परेशानी आ रही है कभी भी ऐसे लोगों से तो ताल्लुक ही ना रखे जो दिन को आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाए दीन को आपको यू you नो know, इस तरीके से समझाए कि भाई नहीं मत करो किताब पे अमल देखो ऐसा ऐसा होता है यकीन करें कुछ लोग इस वजह से अल्लाह की किताब को समझते नहीं और अमल नहीं करते नहीं भाई फिर आजमाइशे बहुत आती है तो ठीक है भाई गुनाहों की जिंदगी गुजारते रहे यहाँ नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो हिसाब होना है तो बी केयरफुल बहुत केयरफुल होकर के जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और अल्लाह की रजा वाली जिंदगी मांगे अपनी दुआओं में थोड़ा शुरू पैदा करे अल्लाह ऐसी जिंदगी दे जिससे तू राजी हो जाए अल्लाह मुझे ऐसे अमल की तोहफी कतः फरमा जिससे तू राजी हो जाए मेरा हर अमल तुझे, तुझे राजी करने के लिए मैं करूँ यानी इस तरीके से मांगे रोए गिड़गिड़ाए एक यकीन करें आप अपने आप में बहुत ज्यादा फर्क महसूस करेंगे इनशाला हमारी जो आयते हो गई अलहदुल्ला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده Okay. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم جل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي جزاكم الله خير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته